चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? याद रखिए, गुजरात में। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? माना जाता है गुप्तकालीन मंदिर का कला का। अगला, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की माप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अगला है, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त मालयद कस्वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल। अगला है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1853 ईस्वी से। अगला, कृष्णदेव राव ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। अगला है, मोहम्मद शाहिद द्वितीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? एथेनिसियस निसियस निकी तिन। अगला है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला है, बौद्ध संगतियां का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बौद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। अगला है, त्रिपिटक के अंग है विनय सूत्र अभिधम्म, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की। अगला, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। अगला, भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला है, मध्यकालीन किस नगर की शिवराज शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। अगला है, ईरानी राजदूत अब्दुर रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजय नगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने 1667 में। अगला, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वैसल और तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। अगला, कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। अगला, पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में? सिलिप्पा दी कारम में। अगला है, हर्षवर्धन और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। अगला है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो याद रखिए, ये था मोरक्को से। अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा गुजरात में। अगला है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? ये था बेहद
बृहदारण्यक उपनिषद। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रूमनिंदेई। अगला है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? वद्यवाहु ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? वज्जी की। अगला है, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में उर्रार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अगला क्वेश्चन है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलवरुणी का। अगला क्वेश्चन, मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था, जिनकी उनकी बेटी ने इत्माद उद दौला की उपाधि दिलवाई? नूरजहां। अगला है, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किस नगर से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी। अगला, किन सैन्य स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है? लोथल एवं कालीबंगा से। अगला, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? सोम यज्ञ का। अगला, किस स्थान पर महात्मा बौद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। अगला है, पैगंबर मोहम्मद साहब की कहा को रवाना होने के दिन से ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई? मक्का किससे मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थल चंद्रदुर्डो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के। अगला है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? सोम यज्ञ का। अगला है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्प सूत्र। अगला है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? सिकंदर शाह बुद्ध सिकंदर ने। अगला है, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? मेवाड़ में। अगला है, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? काजी उल कुजात। अगला, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। अगला है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी, किसके पश्चात दिल्ली में सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। अगला है, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला है, तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अलवरुनी ने। अगला है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता गया? ब्रह्मा देव। अगला है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वित्तस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राज तरंगनी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला है, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी ने। अगला है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रे ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की? जहांगीर के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे? अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग 4 प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। अगला है, महात्मा बौद्ध का जन्म कब हुआ?
563 BC में। अगला, चित्तझर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। अगला, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। अगला, चोल पांडवों और चेरों के बीच संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। अगला, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। अगला है, क्रमांक देवचरित किसकी रचना है? विलहड़ की। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है।